सभी को नमस्कार दोस्तों। आखिरकार काफी नखरे दिखाने के बाद पंचायत सीजन 3 आ ही गई है। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। काफी नखरे दिखाने के बाद पंचायत सीजन 3 आ ही गई है। अब नए एपिसोड में हमें देखने के लिए मिला है कि नए सचिव की एंट्री होती है और फुलेरा गांव के सीमा पर वो आ जाता है। फुलेरा गांव में उसकी इज्जत बिल्कुल उसी तरह से हो रही है जैसे कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की थिएटर पर इज्जत हुई थी। ना नए सचिव के पास ना चाबी है, ना प्रधान उसका फोन उठा रहा है, यहाँ तक कि प्रधान सचिव जो सहायक है वो भी उसे इग्नोर बिल्कुल उसी तरह कर रहा है जैसे कि आपका दोस्त आपसे पैसे उधार लेने के बाद आपको इग्नोर करता है। लेकिन नया सचिव अकड़ में, क्योंकि उसके ऊपर जो हाथ है वो विधायक जी का हाथ है। इसी बीच उसे खैनी रगड़ते हुए भूषण और विनोद मिल जाते हैं और भूषण का सिर्फ दो ही काम है, खैनी रगड़ना और प्रधान से झगड़ा करना। वो दोनों ही काम को हॉलीवुड अंदाज में करता है। वैसे खैनी रगड़ना भी कोई आसान काम नहीं है, साला हाथ की रेखाएं मिट जाती है, जो कि भूषण बिल्कुल हॉलीवुड अंदाज में करता है। दोस्तों भूषण पूरा मतलब ताकत नए सचिव की ज्वाइनिंग कराने में लगा देता है। इधर प्रहलाद का सीन भी दिखाया गया जो अपने बेटे के जाने के दुख में नशे को अपना बना लिया है। वहीं मंजू देवी डीएम ऑफिस पर कहती है कि नया सचिव 3-4 महीने के लिए ही है, लेकिन इसी बीच प्रहलाद जो उसे रिप्लाई देता है वो सुनकर डीएम भी कुछ नहीं बोल पाती, वो भी चुप हो जाती। क्या रिप्लाई देता है वो तो जब देखेगा तब पता चलेगा। इसी बीच विकास से लेकर सब मतलब किसी चीज़ की सचिव को तकलीफ ना हो लग जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये नया सचिव है सभी को पारा हाई हो जाता है। वो पहुंच जाते हैं पंचायत ऑफिस, वहाँ विधायक का सीन भी दिखाया गया है जो कि कहानी को एक नया एंगल देता है। वो फिर से सचिव वापस कैसे आता है, क्यों आता है, ये जानने के लिए ये जो है पंचायत सीजन 3 देखना पड़ेगा। तो ये थी पंचायत सीजन 3 जो काफ़ी नखरे दिखाने के बाद आखिरकार आ ही गई है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।